नमस्कार फ्रेंड आप आई के दैनिक हिंदी संपादक के विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन आर्टिकल जिसमें से अपना पहला आर्टिकल होगा ये अभी जो पीएमसी बैंक में जो उसकी मतलब कि आरबीआई ने उसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं तो उसमें कुछ क्या उसका इशू था उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल अपना है जो कि ये शेखर गुप्ता जी का आर्टिकल है जो कि कश्मीर के मामले में उन्होंने एक प्रकार से इसका मतलब कि इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे आंतरिक होकर भी एक किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया है यह विश्व समुदाय में जैसे इस मामले को पाक पीएम इमरान खान ने भी किस प्रकार से उठाया है निश्चित तौर पर भले ही प्रत्यक्ष रूप से भारत इसको अपनी कूटनीतिक जीत बताता हो लेकिन किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मसला बन बनता हुआ प्रतीत होता है तो उसी बारे में ये जो आर्टिकल है तो कुछ बातें उठाता है वही नेक्स्ट आर्टिकल अपना है जो कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अच्छी रिपोर्ट भी एक आई है अभी सी ओ टू एम एस तो उसके बारे में ये सुनीता नारायण जी का ये आर्टिकल है तो ये काफ़ी अच्छा है तो इसके बारे में भी देखते हैं तो हम चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे ये आर्टिकल है निगरानी में नाकामी यानी कि अभी जैसे कि हाल ही में ये पिछले हफ्ते की बात है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है तो इसने जो है तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है उसमें मतलब कि जब ये जाँच हुई तो उसमें अचानक उसमें उसका एन पी इतना ज़्यादा हो गया था तो उस पर जो है तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया ठीक है कि उसके जो भी तो मतलब कि पूरी तरह से लेन देन या पूरा उसको जो अकाउंट है व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं तो उस पूरी तरह से उसको मतलब कि बंद कर दिया गया है तो इस मामले में जो है तो मतलब कि ये जो ये बैंक है तो इसके लिए जो मेन इशू बताया गया कि कैसे जो है तो इसके लिए ज़िम्मेदार जो है तो अपना एच यानी कि जो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है जो कि रियल एस्टेट का रियल एस्टेट कंपनी है तो ये ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट थी तो इसके ऋण की वजह से ये बैंक जो है तो पी जो कोऑपरेटिव बैंक है तो इसको ये इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा तो निश्चित तौर पे अब सवाल उठता है कि यहाँ पास जो है तो जब ये बैंक ये जो एच इस तरह मतलब कि डिफ़ॉल्ट था तो इसको फिर किस प्रकार से ऋण कैसे दे दिया गया इस बैंक के तौर तो पर यहाँ पास तो निश्चित तौर पे एक प्रकार से नाकामी कही जा सकती है कि किस प्रकार से वहाँ पास मतलब कि ये गलतियाँ बड़े इतनी बड़ी गलतियाँ थी वो समझ में नहीं आई बैंकों की नज़र से वो कैसे किस प्रकार से बच गया है तो मामले में ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि जैसे कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं तो ये जो है तो इसमें जो है तो आर की भी कहीं ना कहीं लचरता देखने को मिल रही है कि निश्चित तौर पर आर भी इन मामलों को पूरी तरह से शार्ट आउट करने में सफल नहीं रहा है है ना जबकि वो तो एक रेगुलेटर रेगुलेटरी बॉडी है ना तो उसको जो है तो इन मामलों में काफ़ी मतलब तीव्रता के साथ इनमें एक्शन लेने की जरूरत होती है तो वो भी पूरी तरह एक प्रकार से इस मामले को अच्छे से ज्यादा कि नहीं हैंडल कर पाया था इसीलिए इतना बड़ा इशू देखने को मिला और आज ही इस तरह की कंडीशन पीएमसी को के सामने सब देखने को मिल रही है तो ये जैसे कि इसमें जो है तो यहाँ पास समस्याएँ ऐसी मतलब कि जो इसके डाटा वगैरह हैं उसमें से किस प्रकार से इस यहाँ पास जो है तो आर को भी अभी इस मामले में आत्म आत्मावलोकन आत्मा आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि जैसे उसके जो अंकक्षक वगैरह हैं तो किस प्रकार से इस तरह की जो विषमताएँ व्याप्त थी संस्थान में वहाँ तो पास से तो इस समस्या को किस प्रकार से वो मतलब कि नहीं पकड़ पाए तो यहाँ पास भी ये भी क्वेश्चन रेस होता है है ना और इससे पहले जो है तो यदि देखा जाए तो जो पंजाब नेशनल बैंक में भी इसी तरह की जो धोखाधड़ी चल रही थी तो उसको पकड़ पाने में भी जो तो आर एक प्रकार से मतलब नाकाम ही रहा था उस तो ये उसका विशु भी इस प्रकार इसी प्रकार था जो कि पी एम में प्राम करेक्ट एस एक्शन में उसको लंबे समय तक डाला गया था ना तो इस तरह की समस्याएँ आए दिन देखने को मिल ही रही हैं तो उसका भी इसू था कि जो है तो स्विफ्ट इंटर बैंकिंग ट्रांसफ़र सिस्टम का एक प्रकार से मिसयूज करके जो है तो काफ़ी बड़े मामले पे जो है तो लेन देन कर रहा था और उसमें से जो है तो मतलब कि काफ़ी मात्रा में उसका एन जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो इसीलिए वो मतलब कि संकट में आ गया था और जो है तो हाल ही में जो आई एल एंड एफ एस जो डिफ़ाल्ट वाली जो एन बी एफ सी कंपनी वो थी तो उसकी भी समस्याएं इसी प्रकार की थी तो ये जो है तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा चिंता का चिंता की बातें हैं कि इस प्रकार से यदि इसी तरह होता रहा तो जो बैंकिंग संस्था है तो उस पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे है ना तो निश्चित तौर पर इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत सरकार को है है ना और वहीं जैसे कि जो बैंकिंग निगरानी की जो मामले जैसे आरबीआई वगैरह है तो उसमें भी अब यहाँ पास जो तो सजेशन के तौर पर यदि कहा जाए तो उसको भी अपनी जो तो क्षमताएँ हैं उस पर भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है और है ना क्योंकि अब ये ज़्यादा समय की मांग भी है कि इसमें मतलब कि अब नए से इसमें जा और ज़्यादा पहल करने की ज़रूरत है और हालांकि जो है तो इसको आर को जो है तो पिछले आम बजट में भी जो है तो एन वगैरह तथा आवास वित्त वित्त कंपनी की जो निगरानी के लिए और ज़्यादा पावर्स दिए गए थे है ना अधिकार दिए गए थे फिर भी जो है तो देखा जाए कि अनुव्यापी क्षेत्र में तो उसमें पहले से ही उसको अधिकार था लेकिन फिर भी वो अपेक्षित तो उसमें प्रदर्शन नहीं कर पाया था ना तो ये जो है तो इस तरह की जो गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं तो इस तौर पर निश्चित तौर पर ये यहाँ पास ये यह बात सामने आती है कि जो आर है तो उसकी कहीं ना कहीं सीमितताएँ भी देखने को मिल रही हैं यहाँ पास उसकी तो क्षमताएँ कुछ सीमित सी हैं इसीलिए जो कि उसे अपने जो है नियमन की गुणवत्ता और क्रियान्वयन पर निश्चित तौर पर एक प्रकार से नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है और इसके जो है तो केवल सुधारात्मक कदम उठाने संबंधित ही अधिकार नहीं बल्कि पर ध्यान देने की जरूरत नहीं बल्कि उसमें और भी ज़्यादा नए सिरे से अच्छे तरीके से गुणवत्तापूर्ण गुणवत्तापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है और सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि जैसे आर है उसकी क्षमता में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है तो इसमें से आइटर कुछ यहाँ पर सजेशन है कि जैसे पहली बात यह है कि उसके जो जो चीज़ें हो तो उसके जो एक्शंस हो किस प्रकार की है ना तो उसका निश्चित तौर पे इस चीज़ का स्पष्ट तौर पर उल्लेख होना चाहिए है ना जैसे अन्य केंद्रीय बैंक हैं ये जैसे कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ये रिज़र्व बैंक की बात की जाए तो उसमें भी जो, जो है जो गाइडलाइंस होती हैं सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक की तो वो भी एक प्रकार से पब्लिकली होती हैं सार्वजनिक होती हैं तो इससे जो है तो उनकी बैंकिंग गतिविधियों के बारे में आम व्यक्ति भी एक प्रकार से जान सकता है है ना और एक प्रकार से निगरानी और निगरानी के दायरे में भी आ जाता है थोड़ा सा पारदर्शिता भी ज़्यादा देखने को मिलती है लेकिन आर को भी अब सार्वजनिक जाँच और परिचर्चा की अपनी जो प्रक्रिया है उसमें भी इस प्रकार चीज़ें सार्वजनिक करने की ज़रूरत है ना वहीं जो है तो यहाँ पास नए कानून तैयार करने का भी वक्त आ गया है कि जैसे इसमें भी अब ज़्यादा मतलब कि कठोर कानून बनाने की जरूरत है इस दिशा में साथ ही जैसे कि इसके मतलब कि जो नए नियम हैं तो नए नियम मतलब कि इसके संदर्भ में नए नियम परिवर्तन क्षमता को भी अब ध्यान देने की जरूरत है साथ ही साथ जो है तो इसमें इसके लिए जो है तो नियमों में जो तो बाढ़ विशेषज्ञों की भी राय लेने ले, ले लेना ज़्यादा उचित होगा ठीक है उप समिति की मंजूरी के साथ ही और वही जो तो आर के जो फैसले हैं तो उनके खिलाफ जो अपील की व्यवस्था भी यहाँ पर सब ये राइटर सजेशन दे रहे हैं कि जो तो यहाँ से जो आर के फैसले वगैरह होते हैं तो उसकी जो खिलाफ़ भी अपील की व्यवस्था होना ज़रूरी है है ना क्योंकि अभी यहाँ पास देखा गया है कि जो सेवी था तो उसमें भी जो तो अपील पंचायत की स्थापना हो गई तो उसके बाद उसकी जो प्रदर्शन था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है तो निश्चित तौर पर आर में भी इस तरह की प्रक्रियाँ अपना ले लिए जाएँ तो निश्चित तौर पर इसमें गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो अपना पी का इशू था तो पीएमसी का इशू आखिर क्या कैसे हुआ था ये है ना तो पीएमसी का इशू कुछ ऐसे हुआ कि इसमें हाल ही में जो चार पांच दिन पहले जो भी इसने इस बैंक पे रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अपने जो है तो ये इस पूरी तरह से जो इसके व्यापारिक लेन देन वगैरह है है तो वो एक्टिविटी नहीं कर सकेगा है ना और साथ ही साथ जो है तो इसके जो मतलब कि जो कस्टमर हैं तो वो जो है तो उनको एक हज़ार रुपये निकालने के लिए लिमिटेशन रख दी गई थी हालांकि उसको भी बढ़ा करके छः महीने तक दस हज़ार रुपये कर दिया गया है तो ये सो कुछ ऐसा था कि जो एच कंपनी थी ये रियल इस्टेट की कंपनी थी तो ये तो ऑलरेडी डिफ़ाल्ट कंपनी थी ठीक है ये डिफाल्ट कंपनी ऑलरेडी थी और इसने जो है तो काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया था पी से बहुत ज़्यादा लोन लिया था और इसका जो लोन था ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट थी तो इसकी तो कैपेसिटी इसको पे करने की नहीं थी लोन को और जब ये कैपेसिटी नहीं था तो फिर इस बैंक ने इसको लोन कैसे दिया पहली बात तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है ठीक है अब जब इसने लोन दे दिया है तो उसके बाद जो है तो ये डिफ़ॉल्ट है तो अब शहाँ पास जो है तो इस बैंक ने क्या किया कि उसको जो इसने लोन लिया था इस रियल एस्टेट कंपनी ने तो उसके उसको एनपीए में नहीं दिखाया था एनपीए में नहीं दिखाया जबकि उसको जो है तो अपनी पूरे डाटा को क्लियर दिखाना चाहिए जो उसकी मतलब कि पूंजी वगैरह उसको क्लियर क्लियरेंस होनी चाहिए तो एन पी में इसको नहीं डाला था उसने जबकि उसको एन में डाल देना चाहिए तो यहाँ पास एन पी में ना डालने के कारण इसका जो है तो ये अचानक इस तरह की समस्या यहाँ पास देखा गया अब यहाँ पास से यदि इसकी हम कैपेसिटी की बात करें तो पीएमसी की जो कैपेसिटी है इस बैंक की तो ये ऑलरेडी जो है तो लगभग लगभग एक हज़ार करोड़ रुपए की तो इसकी कैश रिजर्व की कैपेसिटी ही है जबकि जो ये बैंक है सॉरी ये जो कंपनी है रियल इस्टेट वाली तो इसने तो ऑलरेडी जो है तो लगभग पच्चीस सौ करोड़ रुपए लोन ले लिए हैं तो ये निश्चित तौर पर इसकी क्षमताओं से बहुत ज़्यादा है तो ये कर से हैंडल नहीं कर पाएगा पॉसिबल ही नहीं है जबकि जो रूल होता है तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो जैसे कि सपोज करते हैं कि कोई ए बैंक है ठीक तो है तो ए बैंक है तो इसमें से यदि हम सपोज़ करें कि इसका जो सालाना यदि लाभ है लगभग सपोज़ करते हैं कि फाइव करोड़ रुपये है सालाना लाभ इसका है ठीक है पाँच करोड़ रुपये है अब इसमें से यदि इसको सपोज किया है कि उसका जो एन है तो 400 करोड़ रुपए इसका एन हो गया इस एन को इसकी जो पूरा मतलब कि इनकम है ईयरली का उसमें सीधे इसको माइनस करने के बाद जो हंड्रेड करोड़ रुपए बचते हैं तो ये इसका जो है तो नेट प्रॉफिट माना जाएगा इस बैंक का इसी प्रॉफिट के दम बेस पे ही पूरी बैंकिंग सिस्टम चलती है इसी पे पूरा बैंकिंग का कारोबार अपना ही होगा ये बैंक अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ें संभालता है तब ये तो ऑलरेडी कैपेसिटी से ज़्यादा उसका लोन ही वो कर्ज़ ही हो गया है तो निश्चित तौर पर ये तो बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से कोलेप्स कर जाएगी तो इसलिए आर ने इसको इस मतलब कि इस कदम को लेने के लिए मतलब कि उसने इस तरह के एक्शन लिए हैं तो निश्चित तौर पे अब इस समय मतलब कि आरबीआई को भी मतलब नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है तो क्योंकि इस तरह की आई घटनाएँ देखने को मिलती रहें चाहे वो पीएनबी का इशू हो या आई एंड एफ एस के इशू हो इस तरह की समस्याएँ अब नेक्स्ट टाइम ना हो तो इसलिए जो है तो थोड़ा सा इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है जो कि ल, लंबे समय तक के लिए स्थायी तौर पर हो ना चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर नेक्स्ट आर्टिकल है कश्मीर चूंकि ये शेखर गुप्ता जी का है इन्होंने मतलब के प्रकार से अपने व्यू दिए हैं कि जैसे कश्मीर है तो ये आंतरिक होकर भी किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मामला बना है है ना तो उन्होंने मतलब कि इस बारे में यही अपने व्यू इस तरह से दिए हैं कि जिस तरह से यदि इसको जो भारत जो है तो पहले शुरुआती दौर पे किस प्रकार से था कि जैसे कोई भी कश्मीर के इशू होते थे ठीक है तो कश्मीर को भारत जो है तो मतलब कि ये अंतर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि कोई भी चीज़ें होती उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण से बिल्कुल बचता ही रहता था ठीक है तो उसमें जो इसके हाल ही में देख पिछले उस पर प्रकाश डाला जाए तो उन्नीस सौ तो इन्चानवे से चौरानवे की बात यदि की जाए तो उसमें जो है तो वहाँ पास कश्मीर में लगभग तीस वर्ष पहले जो तो आतंकवाद की शुरुआत हो गई थी ठीक है तब जो है तो इंचानवे से चौरानवे जो है तो उसमें मतलब तभी जो है तो दुनिया भर में कश्मीर समस्या पर लोगों का ध्यान गया था और ये जो है तो पीवी वी नरसिंहा राव के सरकार के समय जब आतंकवाद के खिलाफ मतलब काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से अभियान चलाए गए थे तब जो है तो पूरी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है और अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन जो बिल क्लिंटन थे तो उन्होंने काफ़ी मतलब कि इस चीज़ पे मतलब ज़्यादा कड़े रुख अपनाए थे तो वो जो इस समस्याएं थी तो इनको फिर मतलब कि इनको सॉर्ट आउट करने के लिए तब उन्होंने क्या किया था नरसिंघा राव सरकार ने कि उन्होंने क्या किया था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया थे उसको कश्मीर में ले जाकर के पूरी तरह से वहाँ पास परमिशन दे दिया गया था कि जो वहाँ पर जो भी है आप देख सकते हैं है ना इस प्रकार से वहाँ पर मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वगैरह नहीं है साथ ही साथ उन्होंने क्या नाइनटीन 1993 में सीएम ही जो है तो वहाँ पर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठित कर दिया था भारत में भी उसी समय हुआ था इसका गठन ठीक है तो जो कश्मीर के बारे में जो है तो इससे क्या हुआ कि जो दुनिया के जो नज़रिया है तो कश्मीर के मामले में काफ़ी सकारात्मक हुआ था इस पहल के जो कि उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वगैरह जब गठित किया इस तरह के मतलब मीडिया को भी वहाँ पर जाने के लिए फुल परमिशन दे दी थी तो इससे थोड़ा सा सकारात्मकता देखने को मिली थी ठीक है फिर और साथ ही साथ जैसे कि कोई भी मामले होते हैं तो यहाँ पास जो है तो ए, मतलब कश्मीर के कि तो कोई भी इशू हो तो वहाँ पास उसको रणनीति के तौर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है ठीक है तो जैसे कि शिमला समझौते वगैरह हो गए उनके बाद भी यदि देखा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय भी है अन्य कई उसमें भी इसी तरह की जो ये रणनीति थी तो इसी तरह की चलती रही एज़ इट इज़ ना कि ज़्यादा उसको रणनीतिक स्तर पर ज़्यादा मतलब तवज्जो ना देना उसके बाद भी जो है तो कब हालाँकि पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा मतलब हर कोशिश की और आतंकवाद तक मतलब इस चीज़ को भारत ने मतलब अपनी कूटनीति से ही उसको सीमित रखा तो इस को मतलब कश्मीर को ज़्यादा इशू नहीं दिया बढ़ावा नहीं दिया गया इसके बाद जो है तो जो कुछ यदि आउटपुट इसके देखे जाएं तो पहला यह कि दुनिया भी इसको मानने लगी थी कि जो दोनों देश हैं तो इस एक प्रकार से सामरिक संतुलन इन्होंने स्थापित कर लिया है ठीक है जब भारत ने ज़्यादा कश्मीरी इशू को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हालांकि पाकिस्तान ने तो काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश की इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश की लेकिन भारत ने इसको एक प्रकार से नॉर्मल तरीके से इसको ट्रीट किया तो कुछ दिन बाद जो है तो परसेप्शन ही वर्ल्ड का कुछ इस तरह से हो गया इसके आउटपुट ये हमें देखने को मिले कि जो वैश्विक में भी एक प्रकार से ऐसा लगने लगा कि जो है तो ये जो मामला है तो विश्व में भी ये है तो दोनों देश ने मिल के आपस में इसको एक प्रकार से सामरिक संतुलन इसमें स्थापित कर लिया है और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है दूसरा जो है तो ये कि जो मतलब पाकिस्तान है और भारत है तो ये दोनों जो है तो यथास्थिति बनाए रखने में इनका दोनों का हित है तो इस में भी दोनों मतलब राजी हैं ऐसा परसेप्शन भी हुआ तीसरा ये हुआ कि जो दोनों देश हैं तो नियंत्रण रेखा कोई वास्तविक सीमा मानने की दिशा में बढ़ रहे हैं ऐसा भी परसेप्शन क्रिएट हुआ ठीक है और यदि जैसे कि जो टंग साओ फिंग और राजीव गांधी तेंग सॉ फिंग ने राजीव गांधी से भी कहा था कि औपचारिक समाधान जो है तो समझदार पीढ़ी के लिए छोड़ देना चाहिए इस मामले में ही कहा था है ना कि इसमें मतलब कि ज़्यादा वो पहल करने की ज़रूरत तब की नहीं थी तो उन्नीस के दशक में भी जो है तो इसको जो कश्मीर में इस तरह की समस्याएँ आती रही लेकिन जो दक्षिण एशिया के या अमेरिका की जो सहायक विदेश सचिव थी तो उन्होंने भी इस मामले में जैसे कि जो राविन राफेल हैं तो उनसे भी उन्होंने भी कश्मीर के मामले को जो है तो ये मतलब अपना व्यू रखा कि जैसे कश्मीर को यदि रखना या खोना जो है तो भारत के हाथों में तब के मतलब क्योंकि ऐसे व्यू थे लेकिन जो ये तो पुरानी बातें हो गई ठीक है कि इस तरह पहले ये मतलब लोगों का परसेप्शन था कश्मीर के मुद्दे पे लेकिन जो वर्तमान जो मोदी सरकार है तो उस उन्होंने इस परसेप्शन को एक प्रकार से तोड़ने का काम किया या था स्थिति की जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसको उन्होंने एक प्रकार से ध्वस्त किया और जो पाकिस्तान ने युद्ध की जैसे धमकी वगैरह या आए दिन मतलब न्यूक्लियर वार वगैरह इस तरह की मतलब की बातें सुनने को ही मिलती हैं है ना तो हालांकि इसमें जो तो यदि वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो उसको ज़्यादा विश्व स्तर पे समर्थन हासिल नहीं हुआ है उसमें मतलब दुनिया में कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ है लेकिन यदि इसमें ए, एक प्रकार से इसको हम देखें तो इसको पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम पहले से करता ही रहा है लेकिन इसको जो यहाँ पास राइटर जो हैं तो राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ पास जो है तो कश्मीर के मामले को पाकिस्तान ने नहीं, नहीं बल्कि उसका जो अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम है तो भारत ने ही किया है है ना तो वहाँ पास ही मतलब राइटर कहते हैं कि अगर आप पछपात करेंगे तो आपको स्थिति भारत के लिए ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि उत्साहजनक लगेगी लेकिन क्योंकि जो चीन और तुर्की हैं वहाँ पर जो है तो इस मामले में जो है तो चीन और तुर्की जो है तो पाकिस्तान का उन्होंने ही सपोर्ट किया है बाकी अन्य देशों ने तो इस मामले को एक प्रकार से भारत के पक्ष में आंतरिक मामला ही मानना है माना है जब भी पाँच अगस्त तो से नाइन थ्री सेवेंटी को ख़त्म करने की बात हुई थी इस मामले में लेकिन जो अन्य देश जो हैं चीन और तुर्की के अलावा जो है तो भारत के पक्ष में हालांकि खड़े रहे हैं ना और जो अमेरिका समेत और कई देश थे उन्होंने हालांकि चिंता के जो कश्मीर का मामला है तो उसमें जो है तो उनकी ये चिंता जरूर बनी हुई है और निश्चित तौर पर यहाँ पर इमरान खान भी जो नरसंहार वगैरह की बात इस तरह की कर रहे थे तो यहाँ पर जो श्रीनगर में सामान्य स्थिति दिखाती जो ये ड्रोन वहाँ पर मतलब कि खबरें भी एक से साफ़ सुथरी मतलब दिखाई जा रही है को सब ठीक ही ठाक है हालांकि रियलिटी भी है लेकिन फिर भी एक प्रकार से जो है तो माइंडसेट लोगों का चेंज हो ही जाता है और माना यह भी जा रहा है कि जो लोग इसी तरह माना जा रहा है कि जो घाटी वगैरह उस घाटी जो है तो उसमें जो है तो बल पूर्व बलपूर्वक लोगों को जबरदस्ती मतलब कि एक प्रकार से वहाँ पर संचार सुविधाएँ भी अवरुद्ध हैं लंबे समय से है ना तो इस मतलब वहाँ पर लोगों के साथ काफ़ी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना तो इसमें इसी इन मामलों पे भी हालांकि ट्रंप ने भी उनसे मतलब सामान्य स्थिति बहाल करने की बातें की हैं कश्मीर के लोगों को जो वायदे वगैरह उनको पूरे करने की बातें भी की गई हैं लेकिन कश्मीर में जो नए हालात हैं तो उससे जो पाकिस्तान को अलग थलग करने के बजाय जो है तो निश्चित तौर पे दुनिया का ध्यान खींचने में और ख़ुद को पीड़ित के तौर पर जो पेश करने में उसकी मदद ही की है यहाँ पास है ना कि जो है तो एक प्रकार से ये पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि उस को जिस तरह भारत अलग थलग करने की बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो इस मामले को जो पाकिस्तान ने विश्व मंच में भी यूएन में भी उसने भी उठाया है हाल ही में तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विश्व का ध्यान इस मामले में कश्मीर की तरफ गया है ना और यदि न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान के तरह की जो कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला स्वीकार किया जाना यदि कूटनीतिक उपलब्धि है तो राइटर के अनुसार तो इसके भविष्य और भारत के जो सर्वोच्च राष्ट्रहित भी इसी राष्ट्रीय की जो कुंजी तो इसी में है निश्चित तौर पर आंतरिक मामला माने जाने पर ही लेकिन एक समय बाद जो है तो ये संचार सेवाएं इस प्रकार जो बंद हैं है ना काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह यदि घटनाएं रही तो निश्चित तौर पर वहाँ पास तो लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पनपे गई है ना और ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है तो जो कि एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा समस्या को जन्म दे सकती है तो जो अभी विश्व दुनिया जो है तो कश्मीर के मामले पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही लेकिन जो निश्चित तौर पर जो है तो उसका इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण तो हो ही गया है है ना कि लोगों का ध्यान उस ओर उस जाए और यहाँ पर जब भी हाल ही में जो 2016 की बात की जाए तो बुरहान वानी की मौत वगैरह है है ना उस पर लगभग एक हफ़्ते में 40 लोगों की भी मारे जाने की घटनाएं भी देखने को मिली थी वही जो है तो अब हाल ही असरार वानी की भी मौत की बात की जाए तो इन मामले में जो है तो कश्मीर का जो मुद्दा है तो दुनिया को मतलब कि राइटर के हिसाब से जो है तो कश्मीर मामला जो है वैश्विक स्तर पर लोगों ने इस पर भी अब ध्यान देना शुरू किया है तो ये जो है तो मतलब कि ये इसको ये नई यथास्थिति इसको मान लेना एक प्रकार से ख़तरनाक होगा है ना तो ये अपने राइटर के भी थे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ये सीओ टी मोशन की जो एक नई रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट के बारे में ये जो आर्टिकल है तो उसमें इन्होंने चर्चा किया है तो जैसे याद कि आज प्रश्न यह नहीं है कि क्या जलवायु परिवर्तन वाकई एक हकीकत है है ना सवाल यह है कि हम अब क्या कर सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो कई जो तापमान वगैरह है ना वैश्विक स्तर पर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएँ हैं मौसम मतलब कि बदलते मौसम है काफ़ी ज़्यादा आपात मतलब कि इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं ना भीषण तबाही है ना तो ये जो है तो मतलब कि जो तत्काल ज़रूरत जो है तो ऊर्जा प्रणालियों में अब जो है संरचनात्मक बदलाव लाने की ज़रूरत है अभी जो है संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी हुआ था तो इसी कड़ी में एक प्रकार से इसको माना जा सकता है कि इसी मुद्दे को लेकर के जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जो सम्मेलन हुए थे तो जो सभी देश इसी मामले में प्रयासरत भी हैं लेकिन यहाँ पर जो है तो हमें समझ लेना ये भी जरूरी है कि जो जलवायु न्याय है मतलब कि जलवायु न्याय की जो अवधारणा है उसको यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे जो मौसम का बदलाव है तो इससे भी ज़्यादा मतलब कि भीषण समस्या भीषण तबाही या बहुत ज़्यादा प्रकार से दुसाध्य होता जाएगा यहाँ पर जलवायु न्याय मतलब ये है कि जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग है ना इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इशूज़ हैं तो इनको जो है तो एक प्रकार से पूरी तरह से हम विशुद्ध पर्यावरणीय समस्या ना माने बल्कि हम इन्हें नैतिक और राजनीतिक मुद्दा भी माने ना तो ये है जलवायु न्याय तो यहाँ पर शाला की इस दिशा में यदि बात की जाए तो कुछ अच्छी खबरें भी देखने को मिली हैं जैसे कि भी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो ग्लोबल एनर्जी द सी ओ टू स्टेटस रिपोर्ट 2018 जारी की गई है आ, ये ध्यान देने के बाद है कि यहाँ पर जो तो ये जो है तो ये रिपोर्ट जो है तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो वैश्विक ऊर्जा खपत है तो उसमें तेजी आई है ठीक है वैश्विक ऊर्जा खपत में तेजी आई है और यह वृद्धि जो है तो साल 2010 हज़ार के बाद जो कि औसत विकास दर्ज है उसकी दोगुनी हुई है ना 2018 में 10 की अपेक्षा दोगुनी रफ्तार से जो ऊर्जा खपत में वृद्धि देखने को मिली है और यह वृद्धि इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो दुनिया भर में है तो आर्थिक विकास काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है तो ये अजीबो मौसमी परिघटनाएँ हो रही हैं तो इस कारण जो है तो ऊर्जा संबंधित जो सीओ है उसका उत्सर्जन का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ गया है क्योंकि जो बिजली उत्पादन क्षेत्र है वो लगभग उसका दो तिहाई उत्सर्जन करता है ठीक है तो बिजली उत्पादन क्षेत्र जो है तो इसका दो तिहाई उत्सर्जन करता है सियोटो वगैरह का और दो में जो तेल की मांग है तो उसमें भी लगभग लगभग तेरह की वृद्धि देखने को मिली है इसीलिए जो कोयले की मांग है तो वो भी बढ़ी है लेकिन यहाँ पास विशेष बात यहाँ पास इस रिपोर्ट में ये बताई गई है कि कोयले की मांग तो बढ़ी है लेकिन जो पहले की तुलना थी उसमें जो है तो कोयले की मांग में ज़्यादा वृद्धि दर धीमी पड़ गई है मतलब उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिस रफ्तार से पहले बढ़ी मतलब कम हुई है तो ये एक प्रकार से सकारात्मक हो सकता है क्लाइमेट से रिलेटेड कि हमारे लिए एक प्रकार से अच्छी खबर इसको माना जा सकता है फिर भी जो है तो कोयले में हमारी निर्भरता जो है तो ख़त्म नहीं हुई है वो अब भी सबसे ज़्यादा है और कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र हैं अभी लगभग 2018 में जो सी का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं है ना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का यह अनुमान है कि जो औद्योगिक क्रांति के पूर्व के स्तर की तुलना में जो आज जितना तापमान बढ़ गया है उसमें लगभग लगभग जीरो फीसदी से लेकर के एक फीसदी तक जो वृद्धि है उसके लिए पूरी तरह से कोयला दहन ही जिम्मेदार है है ना कोयला मतलब कि काफ़ी ज़्यादा भयानक इस, इसके वो है दुष्परिणाम है तो इसमें कुछ नए रुझान भी देखने को मिले कि जैसे जिन्हें यदि गति दी गई कि तो निश्चय ही भविष्य के खतरे को हम टाल सकेंगे जैसे कि इसमें कुछ बताया गया कि जैसे पहला रुझान ये है कि ऊर्जा उत्पादन में जो कोयले की जगह जो है प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बढ़ा है ना जो एक सकारात्मक मतलब बात हो सकती है जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है कि एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है कि जो ऊर्जा उत्पादन के मामले जो है तो कोयले की जगह पर अब प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल बढ़ा है इसमें जो है तो दुनिया भर में लगभग लग लग पच्चीस चौबीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है है ना क्योंकि बिजली संयंत्रों में जो प्राकृतिक गैस है उसको तो कोयले का विकल्प माना जाने लगा है तो ये भी एक प्रकार से सकारात्मक ही बात यहाँ पास है ये ज़्यादातर जो है तो ये इस प्रकार की जो वृद्धि देखने को मिली है कि कोयले के जगह पे जो गैसे यूज हुई हैं तो उसका जो ज़्यादातर वृद्धि है अमेरिका में देखने को मिला है और चीन ने भी हालांकि जहाँ वायु प्रदूषण को थामने के लिए तो ब्लू स्काई इनिशिएटिव वहाँ पास अपनाया गया है तो उसके तहत जो तो ब्लू स्काई इनिशिएटिव क्या है कि इसके तहत जो औद्योगिक बॉयलर हैं और बिजली संयंत्र उनमें कोयले के को उपयोग जो है तो उसको कम करने पर फोकस किया जाता है हालांकि जैसे आई का अनुमान भी है कि कोयले की जो बजाय यदि प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो सी ओ टू को उत्सर्जन जो है पंद्रह अधिक होता है ना तो ये ऐसा मतलब यहाँ पर इस रिपोर्ट में माना गया है कि जो कोयले का मतलब कि इस्तेमाल जो है तो कम हुआ है और प्राकृतिक गैसों का प्रयोग करना ज़्यादा मतलब बढ़ा है इसलिए ऊर्जा की खपत भी तो बड़ी खपत भी बड़ी है और यहाँ पास जो है तो ये कैसे प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस तरह से बढ़ा है उसको इस दृष्टिकोण दिस, से माना जा सकता है कि यदि कार्बन डाई का उत्सर्जन पंद्रह फीसदी यहाँ पास यदि मतलब कोयले की कोयले का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस का यदि प्रयोग न किया जाता तो निश्चित तौर पर सीओटू के उत्सर्जन में पंद्रह की वृद्धि होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर मतलब प्राकृतिक गैस का प्रयोग होना शुरू हुआ है तो ये एक प्रकार से सकारात्मक कह सकते हैं किस दिशा में है ना उल्लेखनीय ये भी है कि जो प्राकृतिक गैस उसके इस्तेमाल से जो है तो मीथेन का उत्सर्जन तो ज़्यादा होता है उसमें जो कि एक प्रकार से वैसे भी एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है मीथेन तो हालांकि रिपोर्ट में मीथेन के बारे में तो ज़्यादा उल्लेख नहीं है कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं है लेकिन दूसरी बात यहाँ पास रिपोर्ट में यह है कि जैसे अक्षय ऊर्जा है तो उसकी ओर भी ज़्यादा मतलब दुनिया उस दिशा में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ने लगी है अक्षय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा पानी है जैविक उत्पाद इनसे रिलेटेड जो एनर्जी वो बनाई जाती थी ना तो उस समय भी काफ़ी मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं अक्षय ऊर्जा से संबंधित वही आई के मुताबिक जो है तो अक्षय ऊर्जा आधारित जो बिजली उत्पादन है उसमें सात परसेंट की वृद्धि हुई है है ना 2010 के बाद की सालाना विकास दर से ये जो है तो एक परसेंट ज़्यादा है है ना तो ये अच्छी बात है वहीं अक्षय ऊर्जा में हुई कुल बढ़ोतरी में जो है तो दस फीसदी हिस्सा चीन का है जबकि यूरोप की भी लगभग पच्चीस फीसदी है ना लेकिन दिलचस्प तो यह है कि जो चालीस फ़ीसदी हिस्सा जो चीन का है ये तो ठीक ही है लेकिन अमेरिका और भारत ने भी इस मतलब अक्षय ऊर्जा में लगभग लगभग तेरह फीसदी की बढ़ोतरी साझेदारी इनकी भी है मतलब भारत में भी काफ़ी ज़्यादा इनिशियेटिव दिशा में लिया हुआ है है ना और ना? इससे इसी इस दृष्टिकोण से, इस से भी देखा जाता है कि जो अपने एक सौ पचहत्तर गीगावाट जो है तो सोलर से रिलेटेड अपने गवर्नमेंट के जो टारगेट है तो वो भी मतलब इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा सहायक ही रहे होंगे अब रिपोर्ट ये बताती है कि जो दो में कोयले के बाद जो अच्छा अक्षय अच्छा ऊर्जा उससे ही जब सबसे ज़्यादा बिजली लगभग लगभग लग एक चौथाई पैदा की गई है है ना जर्मनी ब्रिटेन भी लगभग लग बिजली जरूरतों का लगभग थर्टी फाइव फीसदी तक अक्षय ऊर्जा से अक्षय ऊर्जा में डिपेंड है है ना उसका भी प्रयोग कर रहे हैं तो प्राकृतिक गैस की तरफ यदि हम यदि ना हो मतलब कि ना उन्मुख होते तो जो परमाणु और अक्षय ऊर्जा में वृद्धि ना हुई होती तो निश्चित तौर पे जो है तो पिछले साल जो सी ओ टू का उत्सर्जन था तो उससे पचास फीसदी अधिक होता है ना तो मतलब कि ये एक प्रकार से वैश्विक इसको पहल ही कहा वैश्विक सकारात्मक पहल कहा जा सकता है इसलिए मतलब दुनिया मतलब कि अक्षय ऊर्जा इन दिशाओं पर मतलब ज़्यादा मतलब आ रही है तो जिससे जो कार्बन सी ओ टू का एमिशन है जिससे कम भी हुआ है ना तो मतलब उपलब्धि तो है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है ऊर्जा प्रणाली में ये जो संरचनात्मक बदलाव है ज़्यादा से ज़्यादा किए जाने की जरूरत है क्योंकि जो दुनिया है तो उसके खास हिस्सों को यदि ज़्यादा ऊर्जा की वहाँ पर जैसे कि ज़्यादा ऊर्जा की भी जरूरत है और ये एक चुनौती भी है है ना जैसे कि अमेरिका को अपने ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कमी लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है ना क्योंकि वो पहले से ही इन गैसों का बहुत ज़्यादा बड़ा उत्सर्जक देश है है हाँ, ना सबसे ज़्यादा उत्सर्जन भी करता है लगभग एक चौथाई उत्सर्जन तो वही कर करता है अमेरिका ही और यदि इसमें उसे मतलब कि कमी भी उसको उसी हिसाब से लानी भी पड़ेगी लेकिन 2018 में जो सी ओ टी का उत्सर्जन में लगभग थ्री पॉइंट सेवन फीसदी की वृद्धि भी देखने को मिली थी है ना तो ये जो ये थ्री पॉइंट सेवन फीसदी की वृद्धि तब देखी देखने को मिली जबकि कोयले के बजाय प्राकृतिक गैस के उत्सर्जन प्राकृतिक गैस की तरफ उन्मुख हो रहे हैं हम मतलब ये ज़्यादा पर्याप्त वो नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि जो उसने अपने उत्सर्जन उस को इस हद तक बढ़ा दिया है कि जो उसकी ऊर्जा प्रणाली उसमें संरचनात्मक बदलाव जो है तो उसके फायदे ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं है ना तो उसको मतलब और ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है अभी है ना और हालांकि ये एक अमेरिका में जो तेल की खपत वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और जो कि मतलब कि जो सड़क परिवहन में ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी होता है तेल वगैरह के वहाँ पास और चीन और भारत से भी यदि तुलना यदि उसकी की जाए तो वहाँ पास ये जो वृद्धि है बहुत ज़्यादा है अमेरिका में ना जबकि जो, जो अमेरिका में जो प्राइवेट गाड़ी वगैरह हैं उनका जो स्वामित्व और उपयोग है वो पहले पहले से ही बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी तो तेल वगैरह खपत और ज़्यादा बढ़ेगी ऐसे में सवाल यही है कि जो तमाम देश हैं तो आखिर किस तरह उत्सर्जन कम करेंगे ये भी एक प्रकार से चुनौती का भी सही है है ना अल्प विकसित तो विकासशील देश और गरीबों के विकास के अधिकार के साथ तो इसका किस तरह से तालमेल बिठाया जाएगा ये भी एक प्रकार से सवाल ही है तो क्या यह संभव हो सकेगा यहाँ पर राइटर अभी मतलब सवाल उठाते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो सकेगा यदि है तो कैसे है ना ये कुछ ज़्यादा मतलब इस संदर्भ में सवाल हैं एक चुनौतियाँ भी विश्व स्तर पर आज भी, भी हैं कि किस प्रकार से इसके सी के इमेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए है ना जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो ये चीज़ें हो रही हैं तो ये ज़्यादा मतलब कि पर्याप्त नहीं है उसके लिए और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास किए जाने की ज़रूरत है सार्थक दिशा में तो बस इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और हमारे वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करें बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद